हेलो दोस्तों, कैसे हैं? धनेश एकेडमी से मैं निमिष सर आपका स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोगों की ट्रेडिंग चल रही है गाइस? अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो धनेश एकेडमी के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। काफी लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर, ये कार ट्रेड के आईपीओ जब से आया है तब से नीचे ही चल रहा है। और आप देखिए, मैंने यहाँ पे कार ट्रेड टेक का शेयर यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है, और आप देखेंगे कि जब से लिस्ट हुआ है तब से कंटिन्यूअसली नए 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 लो ही बनाते जा रहा है। और जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा उनको काफी नुकसान सहना पड़ रहा होगा। आप देखिए, कंटिन्यूअसली नए नए लो बनाते जा रहा है। काफी लोगों के प्रश्न थे कि सर इसमें क्या करें, नए नए लो बनाते जा रहा है। आज 844 पर बंद आया है, और यदि आप पहले का देखेंगे तो पहले जब लिस्ट हुआ था तो ये यहाँ पे टॉप में लिस्ट हुआ था। देखिए, 1620 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था, और वहां से कंटिन्यूसली ये नीचे चला गया। और ये लिस्टिंग भी ताजा ताजा लिस्टिंग है, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। ये लिस्टिंग आप देख सकते हो, 20 अगस्त 2021 को ये लिस्ट हुआ था, और वहां से कंटिन्यूअसली नए 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 लो बनाते गया, और लिस्टिंग के नेक्स्ट डे से ही ये नीचे चला है। 20 अगस्त के आसपास इसका लिस्टिंग था और वहां से नीचे ही चला गया है गाइस। सो बेसिकली अब काफी लोग इसमें परेशान है कि सर 1600 रुपए का स्टॉक एटलीस्ट आधे दाम पर आ गया। तो देखिए, अभी ये कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे हैं, नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और कंपनी का बिजनेस क्या है? सो कार ट्रेड टेक का जो मेन बिजनेस है वो मल्टीपल बिजनेस में ये है। बेसिकली ऑटो के सेगमेंट में, जहाँ पे ऑटो सेल करना, उसका मार्केटिंग करना, सर्विस करना, ऐसे अलग अलग बिजनेस के लिए ये सेवा देते हैं। फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, अच्छे नतीजे आ रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। बट इंडिया में अभी इस वक्त ऑनलाइन कार बाई सेल का अभी तक उतना लोगों में चलन नहीं है कि सब लोग ऑनलाइन ही कार खरीदेंगे बेचेंगे। सो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। अमेजोन भी जब पहले इंडिया में आया था तो लोग ज्यादा उस पर भरोसा नहीं करते थे, बाई नहीं करते थे, लेकिन आज आप देखेंगे कि सारी चीजें लोग आज अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे खरीद रहे हैं। सो कार ट्रेड का भी अभी इस वक्त जो टाइम चल रहा है उसमें ज्यादातर लोग उसको ज्यादा पसंद नहीं करते, या इंस्टेड ऑफ जाके खुद खरीदना देखना ऑनलाइन से अच्छा वो पसंद करते हैं। सो इंडिया में ये भी टाइम आएगा, थोड़ा सा वर्क लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि 1600 रुपए का शेयर आपको 800 में मिल रहा है, इट्स ए गुड चॉइस, बहुत ही अच्छी चॉइस है। यहाँ पे डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि नए नए लो बनाता है, और नेगेटिव न्यूज तो यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रही है फिलहाल कार ट्रेड में। बट जो हिसाब से इसमें मंदी हो रही है, उस हिसाब से इन्वेस्टर ट्रेडर काफी अपना माल बेच रहे, निकल रहे। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पर मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। यहाँ पर मैं कोई भी बाई सेल होल्ड की सलाह नहीं दे रहा। कुछ भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा जरूर करें और फिर आगे बढ़े। सो अब जो लोग ऊपर के दाम पे फंसे हो गए, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगा के निकल गए हो गए, तो बहुत अच्छा। जो लोग नहीं निकले उनको तो अभी ऑलमोस्ट 50% के आसपास लॉस हो रहा है। तो इतने सारे लॉस में इस वक्त निकल जाना, एग्जिट करना बहुत ही नुकसानदायक रहेगा। सो जो लोगों ने आईपीओ के दौरान लिए और विदाउट स्टॉप लॉस निकले नहीं, उनको बहुत नुकसान हो रहा होगा। और अभी यहाँ पे कोई नई खरीदारी भी बनती नहीं है, शॉर्ट भी बनती नहीं है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, टेक्निकल यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, रोज नए नए लो बनाते जा रहा है, काफी कंटिन्यूअसली वीक ऑन वीक नए नए लो बनाते जा रहा है। सो ऐसे स्टॉक से फिलहाल तो दूर रहना है, जब ये अपने हाई के आसपास आए वापस लौट के तभी जरूर बाई कर सकते, तब तक से लिए दूर रहना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और बहुत सारे मार्केट के कंटेंट भी आपको अपडेट मिल जाए। तो ये बात आज मैंने की कार ट्रेड टेक के बारे में बात की, जो काफी लोगों के प्रश्न थे। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।